नमस्कार दोस्तों। तो चलिए आज हम लोग बात करेंगे लैंगिक असमानता के बारे में। आखिर लैंगिक असमानता होती क्या है, इसका तात्पर्य क्या है, किन किन क्षेत्रों में लैंगिक असमानता है और इनके कारक देखेंगे और लैंगिक असमानता को समाप्त करने का प्रयास जो किए जा रहे हैं उन्हें भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, समानता एक सुंदर और सुरक्षित समाज की वह नींव है जिस पर विकास रूपी इमारत बनाई जा सकती है। समानता एक सुंदर और सुरक्षित समाज की वह नींव है जिस पर विकास रूपी इमारत बनाई जा सकती है। लैंगिक समानता क्या है, आखिर क्यों यह किसी भी समाज और राष्ट्र के लिए आवश्यक तत्व बन गया है, क्या बदलते समाज में यह प्रासंगिक है। लैंगिक समानता का अर्थ यह नहीं है कि समाज का प्रत्येक व्यक्ति एक लिंग का हो, अपितु लैंगिक समानता का सीधा सार समाज में महिला तथा पुरुष के समान अधिकार, दायित्व तथा रोजगार के अवसर के परिप्रेक्ष्य में। लैंगिक समानता का अर्थ है कि समाज में जो महिला हो, फिर चाहे वो पुरुष हो, उसे समान अधिकार मिले, उसका समान दायित्व रहे और रोजगार के अवसर उसे समान रूप से मिले, यही आपकी लैंगिक समानता है। इसी तथ्य के मद्देनजर सितंबर 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की उच्च स्तरीय बैठक में एजेंडा 2030 के अंतर्गत 17 सतत विकास लक्ष्यों को रखा गया, जिसे भारत सहित 193 देशों ने स्वीकार किया। इन लक्ष्यों में सतत विकास लक्ष्य 5 के अंतर्गत लैंगिक समानता के विषय को भी शामिल किया गया। इसमें स्पष्ट है कि हमारा समाज के विकास के लिए लैंगिक समानता अति आवश्यक है। महिला और पुरुष समाज के मूल आधार हैं। समाज में लैंगिक असमानता सोच समझकर बनाई गई एक खाई है, जिसे समानता के स्तर को प्राप्त करने का सफर बहुत मुश्किल हो जाता है। लैंगिक असमानता के विभिन्न क्षेत्रों की बात करें तो इसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्षेत्रों के साथ साथ वैज्ञानिक, मनोरंजन क्षेत्र, चिकित्सा क्षेत्र और खेल क्षेत्र प्रमुख हैं। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस विज्ञान के क्षेत्र में महिलाएं थीम के साथ आयोजित किया गया है, तो याद रखना है 28 फरवरी को आपका राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। इस बार की थीम क्या रही है, विज्ञान के क्षेत्र में महिलाएं। यह विज्ञान के क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका को रेखांकित करने का एक बेहतरीन प्रयास है, परंतु लैंगिक असमानता की इस खाई को दूर करने में हमें अभी मीलों चलना होगा। इस अलग आलेख में लैंगिक असमानता के कारणों पर न केवल चर्चा की जाएगी बल्कि इन समस्याओं का समाधान तलाशने का भी प्रयास किया जाएगा। लैंगिक असमानता से तात्पर्य क्या है, आखिर लैंगिक असमानता का तात्पर्य लैंगिक आधार पर महिलाओं के साथ भेदभाव से है। परंपरागत रूप से समाज में महिलाओं को कमजोर वर्ग के रूप में देखा जाता रहा है, वे घर और समाज दोनों जगहों पर शोषण, अपमान और भेदभाव से पीड़ित होती है। महिलाओं के खिलाफ भेदभाव दुनिया में हर जगह विचलित है। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2020 में भारत 153 देशों में 112वें स्थान पर रहा। इससे साफ तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि हमारे देश में लैंगिक भेदभाव की जड़ें कितनी मजबूत और गहरी हैं। याद रखना, वैश्विक लैंगिक अंतराल 2000 सूचकांक 2020 में भारत नीचे से 122वें स्थान, समझ रहे, नीचे से टॉप कर रहा है, मतलब 153 में 112वां स्थान आया है। लैंगिक असमानता के विभिन्न क्षेत्र हैं, जैसे आपका सामाजिक क्षेत्र है। भारतीय समाज में प्रायः महिलाओं को घरेलू कार्य के ही अनुकूल माना गया है। घर में महिलाओं का मुख्य कार्य भोजन की व्यवस्था करना, बच्चों की लालन पालन तक ही सीमित है। अक्सर ऐसा देखा गया है कि घर में लिए जाने वाले निर्णयों में भी महिलाओं की कोई भूमिका नहीं रहती। महिलाओं के मुद्दे से संबंधित विभिन्न सामाजिक संगठनों में भी महिलाओं की न्यूनतम संख्या लैंगिक असमानता के विकराल रूप को व्यक्त करती है। फिर आपका आर्थिक क्षेत्र में कार्यरत महिला और पुरुष के बीच पारिश्रमिक अंतर है। औद्योगिक क्षेत्र में
प्रायः महिलाओं को पुरुषों के सापेक्ष कम वेतन दिया जाता है। इतना ही नहीं, रोजगार के अवसर में भी पुरुषों को ही प्राथमिकता दी जाती है। फिर हम लोग राजनीतिक दल क्षेत्रों की बात करें। राजनीतिक क्षेत्र में सभी राजनीतिक दलों दल लोकतांत्रिक होते हुए समानता का दावा करते हैं, परंतु वे ना तो चुनाव में महिलाओं को प्रत्याशी के रूप में टिकट देते हैं और ना ही दल के प्रमुख पदों पर उनकी नियुक्ति करना चाहते हैं। फिर आपका विज्ञान के क्षेत्र में, जब हम वैज्ञानिक समुदाय पर ध्यान देते हैं तो यह पाते हैं कि प्रगतिशीलता की विचारधारा पर आधारित इस समुदाय में भी स्पष्ट रूप से लैंगिक असमानता विद्यमान है। वैज्ञानिक समुदाय में या तो महिलाओं का प्रवेश ही मुश्किल से होता है या उन्हें कम महत्व के प्रोजेक्ट में लगा दिया जाता है। यह विडंबना ही है कि हम मिसाइल मैन के नाम से प्रसिद्ध स्वर्गीय APJ अब्दुल कलाम से तो परिचित हैं, लेकिन मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया टेसी थॉमस के नाम से परिचित नहीं। तो याद रखना है इस नाम को, ठीक। मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? टेसी थॉमस। फिर बात करें मनोरंजन रंजन के क्षेत्र में। मनोरंजन के क्षेत्र में अभिनेत्रियों को भी इस भेदभाव का शिकार होना पड़ता है। अक्सर फिल्मों में अभिनेत्रियों को मुख्य किरदार नहीं समझा जाता है, उन्हें पारिश्रमिक भी अभिनेताओं की तुलना में कम मिलता है। खेल क्षेत्रों की बात करें तो खेलों में मिलने वाली पुरस्कार राशि पुरुष खिलाड़ियों के बजाय महिला खिलाड़ियों को कम मिलती है, चाहे कुश्ती का हो या फिर क्रिकेट। हर खेल में भेदभाव हो रहा है। इसके साथ ही पुरुषों के खेलों का प्रसारण भी महिलाओं के खेलों से ज्यादा किया जाता है। बात करें लैंगिक असमानता के कारण। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रगति के बावजूद वर्तमान भारतीय समाज में पितृसत्तात्मक मानसिकता जटिल रूप में व्याप्त है। इसके कारण महिलाओं को आज भी एक जिम्मेदारी समझा जाता है। महिलाओं को सामाजिक और पारिवारिक रूढ़ियों के कारण विकास के कम अवसर मिलते हैं, जिससे उनके व्यक्तित्व का पूर्ण विकास नहीं हो पाता। सबरीमाला और तीन तलाक जैसे मुद्दों पर भी सामाजिक मतभेद सत्तात्मक मानसिकता को प्रतिबिंबित करता है। भारत में आज भी व्यवहारिक स्तर, वैधानिक स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार संपत्ति पर महिलाओं का समान अधिकार है, पर पारिवारिक संपत्ति पर महिलाओं का अधिकार विचलन में नहीं है, इसलिए उनके साथ विभेदकारी व्यवहार किया जाता है। राजनीतिक स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था को छोड़कर उच्च वैधानिक संस्थाओं में महिलाओं के लिए किसी भी प्रकार का आरक्षण की व्यवस्था नहीं की गई। केवल आपका पंचायती राज स्तर पर ये व्यवस्था है आरक्षण की महिलाओं के लिए। वर्ष 2017-18 के नवीनतम आधिकारिक औद्योगिक सैंपल सर्वेक्षण के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था में महिला श्रम शक्ति और कार्य सहभागिता दर कम है। ऐसी परिस्थिति में आर्थिक मापदंडों पर महिलाओं की आत्मनिर्भरता पुरुषों पर बनी हुई है। देश के लगभग सभी राज्यों में वर्ष 2011-12 की तुलना में वर्ष 2017-18 में महिलाओं की कार्य सहभागिता दर में गिरावट देखी गई है। इस गिरावट के विपरीत केवल कुछ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों जैसे मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, चंडीगढ़, दमन द्वीप में महिलाओं की कार्य सहभागिता दर में सुधार हुआ है। महिलाओं के रोजगार की अंडर रिपोर्टिंग की जाती है, अर्थात महिलाओं द्वारा परिवार के खेतों उद्यमों पर कार्य करने को तथा घरों के भीतर किए गए आवेदनिक कार्यों को सकल घरेलू उत्पाद में नहीं जोड़ा, GDP में नहीं जोड़ा जाता। शैक्षिक कार्य जैसे मानकों पर महिलाओं की स्थिति पुरुषों की अपेक्षा कमजोर है। हालांकि लड़कियों के शैक्षिक नामांकन में पिछले 2 दशक में वृद्धि हुई है तथा माध्यमिक शिक्षा तक लैंगिक समानता की स्थिति प्राप्त हो रही है, लेकिन अभी भी उच्च शिक्षा तथा व्यवसायिक शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं का नामांकन पुरुषों की तुलना में काफी कम है। बात करते हैं असमानता को समाप्त करने का प्रयास। समाज की मानसिकता में धीरे धीरे परिवर्तन आ रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप महिलाओं से संबंधित मुद्दों पर गंभीरता से विमर्श किया जा रहा है। तीन तलाक को फिर हाजी अली दरगाह में प्रवेश जैसे मुद्दों पर
सरकार तथा न्यायालय की सक्रियता के कारण महिलाओं को उनका अधिकार प्रदान किया जा रहा है। राजनीतिक प्रतिभाग के क्षेत्र में भारत लगातार अच्छा प्रयास कर रहा है। इसी के परिणाम स्वरूप वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2020 के राजनीतिक सशक्तिकरण और भागीदारी मानक पर अन्य बिंदुओं की अपेक्षा भारत को 18वां स्थान प्राप्त हुआ है। मंत्रिमंडल में महिलाओं की भागीदारी पहले से बढ़कर 23% हो गई। इसमें भारत में विश्व में 69वें स्थान पर है। भारत में मैक्सिको कार्य योजना 1975, नैरोबी अग्रदर्शी रणनीतियां 1985, लैंगिक समानता तथा विकास एवं शांति पर संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र द्वारा 21वीं शताब्दी के लिए अंगीकृत बीजिंग डिक्लेरेशन एंड प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन को कार्यान्वित करने के लिए कार्रवाइयों पर पहले जैसी लैंगिक समानता की वैश्विक पहलों की अभी पुष्टि की है। फिर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वन स्टॉप सेंटर योजना, महिला हेल्पलाइन योजना, महिला शक्ति केंद्र जैसी योजनाओं के माध्यम से महिला सशक्तिकरण का प्रयास किया जा रहा है। इन योजनाओं के क्रियान्वयन के परिणाम स्वरूप लिंगानुपात और लड़कियों के शैक्षिक नामांकन में प्रगति देखी जा रही है। आर्थिक क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हित मुद्रा और अन्य महिला केंद्रित योजनाएं चलाई जा रही। लैंगिक असमानता को दूर करने के लिए कानूनी प्रावधान के अलावा किसी देश के बजट में महिला सशक्तिकरण तथा शिशु कल्याण के लिए किए जाने वाले धन आवंटन के उल्लेख को जेंडर बजटिंग कहा जाता है। दरअसल जेंडर बजटिंग शब्द विगत 2-3 दशकों में वैश्विक पटल पर उभरा है। इसके जरिए सरकारी योजनाओं का लाभ महिलाओं तक पहुंचाया जाता है। आगे की राय की बात करें तो लैंगिक समानता के उद्देश्य को हासिल करना जागरूकता कार्यक्रमों के आयोजन कार्यालयों में कुछ पोस्टर चिपकाने तक ही सीमित नहीं है। यह मूल रूप से किसी भी समाज के दो सबसे मजबूत संस्थानों परिवार और धर्म की मान्यताओं को बदलने से संबंधित है। लैंगिक समानता का सूत्र श्रम सुधारों और सामाजिक सुरक्षा कानून से भी जुड़ा है। फिर चाहे कामकाजी महिलाओं के लिए समान वेतन सुनिश्चित करना हो या फिर सुरक्षित नौकरी की गारंटी देना, मातृत्व अवकाश के जो कानून सरकारी क्षेत्र में लागू हैं उन्हें निजी और असंगठित क्षेत्र में भी सख्ती से लागू करना होगा। जेंडर बजटिंग और सामाजिक सुधारों के एकीकृत प्रयासों से भी भारत का लैंगिक असमानता के बंधनों से मुक्त किया जा सकता है। तो ये था आपका लैंगिक असमानता से संबंधित प्रमुख आर्टिकल। आपके क्या विचार हैं इस आर्टिकल के सुनने के बाद? आप लोग अपना व्यू जरूर दें, ठीक है।